अच्छा देखिए, कान में हम ये समझते हैं कि हमारे कान में मैल आ गया। अच्छा, कान अपने अंदर कोई मैल नहीं बनाता, कान एक बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम स्नान करके बाहर आएँ तो सबसे पहले रुई सीख से कान साफ़ करना चाहिए। उसमें पानी जाता है और वो साबुन का पानी हमारे कान में परेशानी करता है, मैल के रूप में वो जम जाता है और वो फिर खुजली होती है। तो आप जब भी नहाएं सबसे पहले कान का में रुई सीख से बहुत अच्छे से वो साफ़ करें और ये आपकी तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।